थेरेपी सेशन में स्वागत है आपको। एक आज हम सेवन क्लास का कुछ क्लास टॉपिक बच गया था डिसिमल का, दशमलव का मैथ बच गया था, वो आज हम अभी कराने वाले हैं। थोड़ा आप चैनल पर ध्यान रखें और प्लीज इसको देखें हम, ठीक है। देखिए क्लास सेवन नाम है दशमलव यानी डेसिमल, ठीक है। डेसिमल का मतलब एक होता है, जैसे मैं लिखा 2/3, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 23। अब पॉइंट के बदले में एक होता है, जितना अंक होता है उतना जीरो होता है, एक एक अंक का जीरो हो गया। अगर मैंने लिया 2.348 तो इसको हम लिखेंगे 2348, लिख दिया। तो पॉइंट के बदले में एक होता है, कितना अंक है, एक दो तीन, तो तीन जीरो, ठीक है। तो यानी जितना अंक होता है पीछे उतना जीरो होता है, क्लियर हो गया ना। अगर मैं लिखूँ 1 किलोमीटर स्क्वायर होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर होता है 1000 मीटर, राइट, ठीक है। अगर मैं लिखूँ 200 मीटर स्क्वायर कितना होगा, 200 ऊपर हो गया और 1000 नीचे हो गया, तो कितना हो जाएगा पॉइंट, 1 2 3, तो यानी कि 0.2 kg हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा किलोमीटर। कितना जीरो है, 1 2 3, यानी 1 2 3 के बाद पॉइंट, जीरो आगे लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है, लगा दोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ए था आपको किलोमीटर होगा। अगर मैं बोलूँ 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, कितना ग्राम होता है, 1000, तो मैं अगर मैं बोलूँ 345 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, 345 ऊपर हो गया और 1000 नीचे हो गया, ठीक है। तो कितना जीरो है, 1 2 3, तीन पर पॉइंट पड़ेगा, 3 4 5, इन पॉइंट लगा दो जीरो, तो ये आपका हो गया किलोग्राम, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है जैसे मैं लिखा 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर मैं बोलूँ 200 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 200/200 हो गया, 100 हो गया, तो इसे कट गया, इक्वल टू हो गया 2 मीटर, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ, ये हो गया, क्लियर हो गया ना। अच्छा, इसके बाद मैं लिखूँ 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000, 1/50 सेंटीमीटर, तो मैं बोलूँ 2 4 3 8 9 7, ये आपका सेंटीमीटर में है, तो क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे डेसिमल में, फिर क्या करेंगे बेटा, 2 3 4 8 9 7/1/50, ठीक है। 5 0, कितना जीरो हो गया, 5 0, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2.43897, या तो हो गया मीटर यानी किलोमीटर हो गया, क्या हो गया, किलोमीटर, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, पक्का इसको बताइए। और इसके बाद दो चीज़ और आपको समझना है, जो आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आगे देखिए। इसके बाद फिर हम, जैसे मैं लिखा 2.38, ठीक है, इसको लिखना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका, ध्यान देखिएगा, 2 × 10 यानी यहाँ पे हो जाएगा दशमलव प्लस, ठीक है, 2 × 10 होता है, यहाँ लिखेंगे 4/1 10, 4/1 कितना हो जाएगा 10 प्लस, ठीक है, 3/y कितना डिजिट है, 1 2, तो यहाँ हो जाएगा 100 प्लस, इसको लिखेंगे 8, अब कितना है, 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, समझ गए। यानी आप अगर अगर एक मान लो ऐसा होता है 3 4 8.243, ठीक है, क्लियर हो गया, तो क्या करेंगे, 3 × 1000, इस पे हम गुना करेंगे, इसमें गुना करते हैं प्लस 4 × 100, ठीक है, क्योंकि दो ही है ना, 1 1 2, तो 0 आ गया, 1 1 2 3, 3 0 आ गया, इसका 1, तो यहाँ हो जाएगा 8 × 1, या फिर 8 × 10 भी कर सकते हो, 8 × 1 एक चलेगा, यहाँ पे एक चल सकता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, तो आप आगे 10 कर सकते हो या फिर एक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, डाउट अगर है तो प्लीज बोल दो। अच्छा ठीक है, ये एक हो गया पॉइंट प्लस, अब इसका हो जाएगा नीचे 2/1,
दस, राइट, इसका हो जाएगा चार बटे दस, चार बटे सौ, दो जीरो हो गया, इसका हो जाएगा तीन बटा एक पे तीन जीरो, ठीक है। तो ए इसको बोलते हैं विस्तारित, इस मैथ को बोलते हैं विस्तारित, विस्तारित यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड इंग्लिश में हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, तो इसके बाद जब भी आपको कुछ दिक्कत हो तो आप आगे देखिए, इसके बाद क्या होगा कि जैसे मैं लिखा 2.3 38 प्लस 14.894, इसको प्लस करना है तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिख दो, 38 से कुछ नहीं है तो इसको आगे लिखो, आगे जीरो लगा दो, 14 लिखा था 14 यहाँ लिखो 0.894 बस, ऐसे तो मतलब पॉइंट के पॉइंट सामने होना चाहिए, आज पॉइंट के जो आगे वही करना, जिसमें पॉइंट है पॉइंट को, जिसमें पॉइंट नहीं रहेगा उसको आगे लगा के पॉइंट लगा देना, तो यहाँ जीरो लगा दो, फिर यहाँ जीरो 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 बराबर कर देंगे अपनी मर्जी से, ठीक है ना। तो 4 9 8 4 12 8 4 12 तो 14 1 15 हो गया, और 3 1 4 5, ठीक है, डेट प्लस ये आपका प्लस हो गया, समझ गए। आगे देखिए, इसके बाद, इसके बाद है 3.4 माइनस 2, तो क्या करेंगे आप 3.4 कर देंगे, इसमें पॉइंट नहीं है तो इसको पॉइंट के आगे लगाते हैं, जिसमें पॉइंट नहीं होता तो उसको हम पॉइंट के आगे लगाते हैं, उसके बाद जीरो लगाते हैं, यहाँ 4 हो गया 1.4, ठीक है। तो आपका पॉइंट माइनस था, अब हम करते हैं आपका प्लस वाला सिखाते हैं, है ना, मल्टीप्लाई सिखाते हैं। देखिए जैसे मैंने 3.4 फिर 1.2, ठीक है, जैसे गुना कर दो, गुना कर दो, 4 2 8 3 2 6 4 1 4 3 1 3 कर दो, यानी 8 0 4, ठीक है। अब पॉइंट कहाँ लगे देखो, पहले इसको छिपा लो, जहाँ पॉइंट है छिपा लो, 1 2, तो 1 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है, हो गया, डाउट तो नहीं है, पक्का ना, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद जैसे डिवाइड करना है, 3.2 डिवाइड 1.7, तो इसको ऊपर कर दोगे और इसको नीचे कर दोगे, तो इसे कट गया, कितना आ गया 2, ठीक है। अब अगर मानो कि ऐसा है, इसको डिवाइड करना जैसे नोट पे, क्या करोगे, 3 पे यहाँ लिखोगे 7 पे यहाँ, 3 2 नीचे 1.0 आ गया, 3 3 जा 9 हो गया, तो इस तरह से चीज़ें ये चलती रहेगी, ठीक है ना, कटेगा नहीं, चलते रहेगी काम, ठीक है। अच्छा, डिविटी पॉइंट वाला हो गया, पॉइंट के बदले में जीरो लगता है, आप पॉइंट के बाद एक ही बार लगा सकते हो, ठीक है ना, पॉइंट को जीरो मिलने का है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद, इसके बाद तमाम जो चीज़ें था जैसे हम लोग के बारे में, जैसे कभी कभी ऐसा ऐसे दे देगा 24 प्लस 84 प्लस 1.2, ऐसे देगा प्लस पर इसको दे देगा, इतनी संख्या बढ़ा, कन्फ्यूज हो जाएगा, तो क्या करना है 1.2348, अब इसको यहाँ लिखो 24 0 0 0 0, अपनी मर्जी से लगा दो 84.0000, इसको प्लस कर लो यहाँ जीरो करके, तो 8 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया, 8 2 10 हो गया बस, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों को कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों को बताइए कि शेयर करें, जब तक के लिए नमस्कार।